हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश भसीन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट भी बहुत अच्छी रही, एक्सपायरी भी हमें ठीक ठाक देखने को मिली। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी वॉलेटाइल और स्टेबलाइज था, मतलब रेंज के अंदर था, बट निफ्टी एक डाउनफॉल, एक अच्छी मोमेंटम उस पर हमें देखने को मिली थी, ठीक है। और कल हम लोगों ने यूट्यूब पे यही डिस्कशन करा था कि इसी तरीके से मार्केट रह सकती है, एंड हमने वाली बात करी थी कि मार्केट अगर अपना लो ब्रेक करेगी तो एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें थ्री कैंडल मूवमेंट हमें चाहिए थी जो कि हमें एक साथ मिल चुकी है। सो पॉसिबल एक रिवर्सल अब एक माइनर सा एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ, और लास्ट आर में भी हम लोगों ने एक छोटा सा रिवर्सल देखा था, वो 17,000 के ऊपर जाके क्लोज करने में जो कामयाब हुई थी, ठीक है। तो आई थिंक वो लेवल थोड़ा सा ठीक चल रहा है, तो एक बार और एग्जामिन करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है, एंड उसके बेसिस पे पूरा डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा मैंने 3 स्टॉक्स और दे रखे हैं, एंड अब हम लोग कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो टेलीग्राम पे और ट्विटर पे, हमने ट्विटर के अंदर एक अपना चैनल जो मेरा शिवांश भसीन का खुद का ट्विटर हैंडल है, उस पर अब मैं कुछ चेंजेस लेकर आ रहा हूँ, एंड उसके अंदर अब थोड़ा बहुत फोकस करने वाले हैं ह्यूमन एंड सिक्योरिटी साइकोलॉजी के ऊपर। सो हमने देखा है कि ह्यूमन और सिक्योरिटी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने ट्रेडिंग करियर से रिलेटेड, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं, अपने चार्ट को समझ नहीं पाते हैं कि उनके इमोशंस क्या है, उस चार्ट के कैंडल के इमोशंस क्या है, सूसी के साथ मैं वो लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, ट्विटर एज वेल, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे दोनों के लिंक डाल रखे हैं, एंड सारे सोशल मीडिया पे भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा, बिकॉज एवरी डे कंटेंट आपको वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम और ट्विटर के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें और आपको देने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वहाँ पर आप ज़रूर फॉलो करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के कौन से स्टॉक्स हैं जो हम कल के दिन बाय कर सकते हैं, एंड सारी डिस्कशन करते हैं इस वीडियो के अंदर। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हमारा सबसे पहला स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने अभी रिसेंटली ये टेलीग्राम पे भी दिया था 211 रुपीज़ के आसपास, और वहीं से वो बहुत तेज़ी से शूट अप करना भी स्टार्ट कर गया था। अभी जो करंट प्राइस है वो 215 रुपीज़ है, तो 4 रुपये अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर कल एक डिप दिखती है तो उस पर हम लोग बाय अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। सो अगर मिस नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा रेंज हमें देखने को मिल रहा था, एक राइजिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक बहुत टाइम से काम कर रहा है, एंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है। बाय ऑन डिप्स पे तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी रिसेंटली इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 7 से 8 रुपये की मूवमेंट तो बहुत ईजिली दे सकता है, और फाइनली शायद इस चैनल का ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाए। सो लेट मी शो यू, अगर आप चेक करेंगे तो रिसेंटली एक अच्छी मूवमेंट आई थी अपने बेस, अपने सपोर्ट लेवल से, एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड मूवमेंट ये रेंज बाउंड हो गया था। नवंबर से हम लोग देख रहे थे, नवंबर के एंड से ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, फाइनली जाके इसने एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ आज ब्रेकआउट दिया, एंड इस ब्रेकआउट से पहले ही हमने आपको बाय सजेस्ट कर दिया था, तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और अगर मैं इसके टारगेट्स को जूम करके चलूँ तो जो मोस्ट प्रोबेबली निकल के आ रहे हैं दैट शुड बी अराउंड 238 to 240 रुपीज़ का, ठीक है। बट एक छोटा सा हर्डल, जैसे हमने बात करी, ज़रूरी नहीं है ये टारगेट अचीव हो, क्योंकि एक बहुत अच्छी रेंज चल रही है, एक अच्छा चैनल चल रहा है, तो हम ये चीज़ हमेशा फॉलो कर रहे हैं कि जब भी ये चैनल पर आता है तो एक फॉल आ जाती है, मोमेंटम जितना अच्छा हो बट यहाँ पर एक फॉल आना स्टार्ट हो जाती है, तो हमें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यही ज़ूम करके चलेंगे, जब ये अपने चैनल वाले ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लेगा, हम अपनी 50% क्वांटिटीज उस समय बुक कर लेंगे, या तो फिर हम लोग और क्वांटिटीज बुक कर लेंगे, बट अगर इसके ऊपर ये निकलना स्टार्ट करता है तो हम लोग और क्वांटिटीज भी एड ऑन कर सकते हैं, या फिर एक फ्रेश बाय पोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने 211 रुपीज़ पे बाय करा है, हम लोग 220 to 222 रुपीज़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं, पहला टारगेट जो मैं मान के चलता हूँ बहुत ईजिली आ जाना चाहिए। इसके बाद देखेंगे फाइनली अगर ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छी मूवमेंट हमें मिली सकती है, अदरवाइज हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर अपनी पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी का पॉइंट है, सिंपल वे में समझो, एंड इजी वे पे आपको मैं एक एक पॉइंट समझाता रहूँगा कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस हर दिन स्ट्रांग होती रहे। हमारे यहाँ पर आपको एम नहीं है स्टॉक रिकमेंडेशन देना, हमारा एम है कि आप ये स्टॉक को कैसे सर्च करते हो, कैसे रिसर्च करते हो स्टॉक के ऊपर, हमारा मोटिवेट आपको सिर्फ उसी तरीके से करने का है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स मैंने ऑलरेडी, जैसी मार्केट क्लोज होने वाली थी, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये डाल दिया था,
एग्जैक्टली स्ट्रक्चर के साथ, तो वहां पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं एंड लाइक भी जरूर कर सकते हो। और अपने ओपिनियंस देना बिल्कुल मत भूलेगा, बिकॉज जहां पर मैं वो शेयर कर रहा हूँ एक एक स्टॉक को, आपको अपना ओपिनियन खुद देना है कि आपको क्या लगता है, क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, क्या मैं मिस कर चुका हूँ या फिर क्या एड ऑन और कर सकते हैं। तो नॉलेज आपकी बढ़ेगी और लोग जो रीड करेंगे वो आपको जानने की कोशिश करेंगे एंड आपके भी वहां पर जो ग्रोथ है ट्विटर पे और ज्यादा बढ़ेगी। सो प्लीज मेक श्योर कि वहां पर आप हमें फॉलो करें एंड वहां पे हम लोग एक दूसरे को ग्रो करते रहें। सो एशियन पेंट्स पहला स्टॉक है, दूसरा स्टॉक है, सॉरी, आप क्लियरली देख सकते हो ना 45 मिनट्स टाइम फ्रेम ये एक लोअर लो लोअर हाई मेंटेन कर रहा था, एक बहुत अच्छे चैनल के स्ट्रक्चर पे था। फाइनली जब हमने देखा था अपने लो से ही ऊपर की तरफ गया एंड ऊपर जाने के बाद एग्जैक्टली जो इसने सपोर्ट लिया, आप यहाँ देख सकते हैं 50% और 61% पे लिया। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है जिसपे मैंने इस स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करा कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर बाय करते हैं कैसे, वो मैंने ऑलरेडी पूरी वीडियो 51 मिनट्स की बना रखी है, आप जाके वॉच कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने बाय करा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, अगेन एक बड़ी मूवमेंट आई, मूवमेंट आने के बाद अगेन एक फॉल आई, तो अगेन फॉल आने के बाद हमने दोबारा, लेट मी शो यू, हमने दोबारा यहाँ पर इस चीज को फॉलो करा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, या मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूं, ये मेरा लो है सेकेंड एंड ये मेरा सेकेंड हाई है। जैसे ही मैंने इसे मेंटेन करा आप क्लियरली यहां पर देख रहे हैं 50% और 61% पे रेंज करा एंड फाइनली उसका ब्रेकआउट दे रहा है ऑन अ हायर साइड, जो कि पास्ट में हमें यहां पर देखने को मिला था। सो यस, वी कैन इमेजिन कि एक हायर राइज एंड हायर लोज का कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन चल रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ रैली होगी, उसके बाद ABC हम लोग यहाँ पर वेव थ्योरी देखने को मिल सकती है। सो आई पर्सनली थिंक कि अगर ये एशियन पेंट्स का स्टॉक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, करंट प्राइस इज 3306 रुपीज़ का, हमने ये स्टॉक 3300 रुपीज़ पे ही आपको बताया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर ये 3314 का लेवल ब्रेक करता है, जो कि छोटा सा क्रूशियल रेजिस्टेंस अभी आ रहा है, तो अगर ये 3314 का लेवल ब्रेक करेगा कल और उसके ऊपर हम देखते हैं 5 मिनट भी अगर वेट कर गया तो एक बड़ी मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी अच्छी ट्रेड दे सकता है, अदरवाइज आप एज अ स्विंग भी से होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। सो गाइस हमारा लास्ट स्टॉक है KEI इंडस्ट्रीज पे अगर आप सर्च करोगे और ध्यान से देखोगे तो ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं ना, इस रेड कलर की लाइन के ऊपर ही अभी तक क्लोजिंग नहीं दे पाया ऑन अ अर्ली टाइम फ्रेम। लेट मी शो यू वंस अगेन। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश करी, अगेन एक फॉल आया, पूरा ट्राई करा, ऊपर गया, नीचे आया, एक लोअर हायर लो क्रिएट करा एंड अगेन एक अच्छी रैली देखने को मिली एंड अब ये अगेन दोबारा टेस्ट कर रहा है इस लेवल के ऊपर जाने पे। सो आई पर्सनली थिंक अगर आप रैली को एज्यूम करके चलोगे तो कितनी प्यारी रैली हमें देखने को मिल रही है, एक कंटिन्यूस बेसिस पे हायर हाइज एंड हायर लोज हमें देखने को मिल रहे हैं और हायर लेवल पे बार बार ये सस्टेन भी कर रहा है। सो आई पर्सनली थिंक आप देखेंगे ये आज के दिन ओपन हुआ था एग्जैक्टली इसी लेवल पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा, दोबारा नीचे आया, दोबारा नीचे आने के बाद ये फॉल नहीं करा, अपने सपोर्ट तक नहीं आया और यहाँ से रिवर्सल देने की कोशिश करा। सो आई पर्सनली थिंक कि इस पर एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन हम लोग लगा सकते हैं, करंट प्राइस 1220 चल रहा है और अगर ये 1225 के ऊपर अगर 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज होती है तो हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि 1260-65 तक ईजिली जा सकता है। तो स्टॉक को वॉचलिस्ट के अंदर ज़रूर ऐड कर सकते हैं और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आप एक चीज सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, या आप यहाँ चेक करेंगे मैं सिर्फ एक ड्राइंग यहाँ पर बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, एक ही लाइन, ये एक लाइन हमें क्या बता रही है, ये वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, उसके बाद थर्ड कैंडल ने दोबारा ट्राई करा बट यहाँ पर आप देख सकते हैं विक एग्जैक्टली इस लेवल से फॉल करके गई, दोबारा पाए, दोबारा यहाँ पर इसने ट्राई करा, सस्टेन नहीं हो पाया और अगेन एक फॉल आया। सो आई पर्सनली थिंक अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है और ये शायद अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई तक भी क्लियरली जा सकता है। सो फॉलो दिस स्टॉक एज वेल। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। आई होप आपने इन तीनों स्टॉक्स पे कुछ सीखा होगा। क्लियर हमें एक लाइन, एक सिंगल हमें ट्रेंड लाइन भी बता सकती है कि स्टॉक में हमें करना क्या है, सिर्फ आपको देखना आना चाहिए कि वो ट्रेडर्स जो ये कैंडल्स बना रहे हैं, बायर्स और सेलर्स, वो एक पीपल है। तो अगर आप ह्यूमन के इमोशंस को समझ जाओगे तो आप एक एक स्टॉक के अंदर इजिली ट्रेड कर पाओगे। टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग या कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप लोग बना रहे हो उसको ज्यादा स्टडी करके, कोई ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, विद अ प्रॉपर
ह्यूमन एंड सिक्योरिटी साइकोलॉजी, जब तक आप सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी साइकोलॉजी का यूज नहीं करोगे आप इन चीज को और परफेक्शन नहीं लेकर चल सकते। सो डोंट वरी, हम एक ऐसा तरीके का कोर्स भी बना रहे हैं जिसपे पूरा फोकस इसी पे करा जाएगा एंड उसको ही मास्टर करा जाएगा। सो डोंट वरी, वी आर कमिंग अप विद अ वेरी गुड प्रोग्राम। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की और देखते हैं कि आगे इनका फ्यूचर क्या रह सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, तो मैं आज चाह रहा था कि एक छोटी सी फॉल और आ जाती, मतलब एक छोटा सा लो और क्रिएट हो जाता कि हमें एक अच्छा बाइंग लेवल मिल जाता, बट आई थिंक कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, एग्जैक्टली रेड कलर की लाइन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा, आफ्टर वेरी गुड ब्रेकआउट यहाँ पर सपोर्ट लिया और जब वो सपोर्ट ब्रेक हुआ दैट गेव अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। सो आई पर्सनली थिंक जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पर ये जो फॉल आ रहा था आज के ट्रेडिंग सेशन पे, अगर ये बस थोड़ा सा और नीचे फॉल आ जाता, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं इसको ये जूम करके चल सकता हूँ कि ये फॉल सस्टेन है और यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके बाउंस करा है, बट अगर होता तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती है। अब बात आती है दूसरी, अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या चल रहा था, एक अपमूव देता था, लेट मी शो यू वंस अगेन, ये एक अपमूव आई, फॉल अपमूव अगेन फॉल एंड दिस, और अब ये इस लेवल पे आए। सो यानी कि इससे हमने एक चीज इमेजिन करके चली कि इसने अभी तक अपने प्रीवियस लो, जो इसका ये वाला लो है, इसको ब्रेक नहीं करा और क्लोज नहीं करा। सो आई पर्सनली थिंक कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्ट के लिए अब मत सोचना। अब एक बार अगर गिरावट आए ना उस पर बाय करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं, बिकॉज एक तो इतनी बड़ी मूवमेंट आई है, इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद अगर 3 कैंडिडेट फॉलो अप हमें देखने को मिल रहा हो ना बियरिश साइड, तो आई थिंक एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इट्स अ सिंपल साइकोलॉजी जो एवरी जगह फॉलो होती है। अब लेट मी ओपन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो ना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर आप सर्च करोगे तो एक कंटिन्यूस हम लोग एक डाउनफॉल देख रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते हैं। देखिए अभी छोटा सा जो हर्डल है वो हर्डल है एट दिस लेवल, क्यों? क्योंकि एक फॉल आया, पुल बैक लिया, अगेन एक फॉल आया। सो आई पर्सनली थिंक कि जब तक ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता तब तक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल सकती, या तो फिर एक बाय ऑन अगर ये फॉल करे और अपने इस लोअर स्ट्रक्चर के नीचे ना जाए और यही इन बिटवीन रिवर्सल करे तो भी एक अच्छा बाय लेवल बन सकता है। आइदर साइड वी विल डू अ बाय ऑन स्ट्रैटेजी और अ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्विंग हाई। ठीक है, अब एक बार बैंक निफ्टी चेक करते हैं और ओपन इंटरेस्ट के डाटा के साथ दोनों का कंफर्मेशन भी ले लेंगे। या तो बैंक निफ्टी भी हमने ओपन कर लिया और सिंपल यहाँ पर भी वही था, पर बैंक निफ्टी ने वो चीज़ पूरी करी। हमने बोला था ये प्रीवियस स्विंग हाई था, इसका एक अच्छा ब्रेकआउट आया, इट गिव अ वेरी गुड रीटेस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में, और उसके फिर एक हमें पुल बैक मतलब एक अपमूव देखने को मिली ऑन अ क्लोजिंग बेसिस जब मार्केट क्लोज हो रही थी। एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस है, जो सबसे बड़ा हर्डल अभी जो काम कर रहा है, वो 38,850 रुपीज पे कर रहा है, बिकॉज वहां पर एक डबल टॉप बना है। इट्स नॉट अ वेरी गुड डबल टॉप, बट उसे कंसीडर जरूर करा जाएगा। सो आई पर्सनली थिंक जो ये लेवल है, लेट मी शो यू अगेन, जो ये वाला लेवल है इस पॉइंट का, यहां पर एक छोटी हर्डल और देखने को मिल सकती है। तो मैं एक बार आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूं। एंड सबसे पहली चीज आपने यहां पर ऑब्जर्व कर ली, ऑन अ डबल टॉप क्रिएट हुआ, उसके बाद यहां पर बहुत टाइम पॉज लिया, उसके बाद जब इसका ब्रेकडाउन आया कंटिन्यूसली एक लोअर लोज लोअर हाइज मेंटेन होना स्टार्ट हुआ, एंड आज के ट्रेडिंग सेशन पे इसने यहाँ पर सपोर्ट भी लिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो आई पर्सनली थिंक जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 37,600 का, हमें एक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी या फिर अगर बाय मतलब और थोड़ा सा लेवल पे आए, एक बार कल के ट्रेडिंग सेशन पे बाय करने की कोशिश जरूर करेंगे, शॉर्ट के बारे में कल नहीं सोचेंगे। ठीक है, और हम बाय कहाँ कर सकते हैं अदर देन दैट, या तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे और बाय करेंगे। देखिए हमने सेम बात करी, ये प्रीवियस स्विंग हाई है, जब तक ये दोनों लेवल्स ब्रेक नहीं होते और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट नहीं देता वहां पर बाय करेंगे। वी हैव टू बी वेरी पेशेंट और वो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे और तब हम अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी निफ्टी का, और अब बात करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट की और इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही है, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, और कंटेंट आपको इसी तरीके का हर दिन प्रोवाइड करवाएंगे। सो हम लोग अपने निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट पे आ चुके हैं, अब तो सिंपल मंथली एक्सपायरी बची हुई है जो कि 27th को है, तो हम उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे निफ्टी पे हाईएस्ट कॉल राइटर हमें देखने को मिल रहे हैं 18,000 पे, सो मोस्ट प्रोबेबली 18,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट है 17,900 एंड 17,800 पे, तो यानी कि अपसाइड बहुत ज्यादा ही लिमिटेड है, मतलब हर जगह हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है ऊपर जाने में।
सलाह ये रहेगी या तो फिर हम लोग एक रेंज बाउंड के अंदर अपनी एक्सपायरी को बिता सकते हैं या फिर ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं देखने को मिल सकती। दूसरी चीज क्या हो सकती है, हमने जितना भी अभी चार्ट्स के अंदर डिस्कशन करा बाय करने का, हमने तो बाय का ही एक तरीके से डिस्कशन, एक बायस ओपिनियन आपको जो मैंने दिया अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स, जो चार्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है। बट जो लेवल्स आपको बताए ना, जिस लेवल से आज बाउंस करी है निफ्टी और बैंक निफ्टी, बट अगर वो लेवल्स ब्रेक हो गए तो एक फॉल हम लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर हमें दिख रहा है कि पीछे कोई भी सपोर्ट हमें नहीं दिख रहे पुट राइटर्स जो कि उसको बैकअप कर पाए, तो मेरे हिसाब से या तो हम लोग एक कल के ट्रेडिंग सेशन में बाय के लिए सोचेंगे। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं हो रहा तब तक तो हम एक क्रूशियल बाय के लेवल में सोच सकते हैं, बट अगर वो क्रूशियल लेवल ब्रेक हुआ तो हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज भी डेफिनेटली एग्रेसिवली ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार मंथली बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हाईएस्ट 38,000 के अंदर कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, पुट राइटर्स हैं ऑन 37,000 और 38,000 में भी पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि एक तरीके की रेंज बाउंड मतलब 38,000 के आसपास ही हम लोग एक्सपायरी देख सकते हैं नेक्स्ट वीक की, जो एक्सपायरी आ रही है जिस डाटा से देखें, क्योंकि ये डाटा हर दिन चेंज होगा जब तक मार्केट ओपन होगी हर दिन डाटा। बट अगर अभी बात करें तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि 38,000 के आसपास 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे ही एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। सो फॉर दैट वी कैन यूज अब आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी एज वेल, तो वो फॉलो कर सकते हैं। बट अगर फॉल आता है तो सिंपल 37,000 तक का भी फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज पुट राइटर्स वहां पर एक्टिव हुए हैं। सो आई थिंक ये था पूरा डिस्कशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको पसंद आया। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ट्विटर एंड टेलीग्राम, बिकॉज अगर आपको और कंटेंट ऐसा चाहिए ना, अगर आप चाहते हो कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर और ग्रो करूं, प्रोफेशनली ग्रो करूं और एक गुड नॉलेज के साथ, कोई फालतू की नॉलेज शेयर नहीं करने का हमें मतलब रहता है, तो अगर गुड नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए सो प्लीज डू फॉलो अस ऑन दीज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।